बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। और हम लास्ट लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसका फॉर्मूला है 2n2। तो उसको एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमें 2n2 से क्या क्या पता चलता है। हमें अगर हम इसको देखें तो 2n2 फॉर्मूला हमें ये बताता है के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18 आते हैं, चौथे में 32 आते हैं और पांचवे में 50 आते हैं, छठे में 72 इलेक्ट्रॉन आते हैं और सातवें में 98। तो ये जो तादाद है पहले शेल के अंदर में, ये हमें ये सारी तादाद 2n2 फॉर्मूला से मिलती है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या तादाद है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं, जगह नहीं, ये कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की शेल के अंदर, इससे ज्यादा मौजूद नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये कि पहले शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल होता है कि कोई भी ना हो, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन आयन जब बनता है। ठीक, तो या तो मतलब 2 होंगे, 1 होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा पहले शेल की अगर हम बात करें। इससे ज्यादा पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं सकते। दूसरे शेल में 8 आते हैं, तीसरे शेल में 18 आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इन नंबर्स को याद रखना है कि फर्स्ट शेल के लिए हमारे पास है नंबर 2, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए 18, थर्ड शेल में 18, ठीक है, 32, 50 और 72, 98। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड और प्लेस इन अ शेल। कौन कौन से शेल में? 2 जो है फर्स्ट शेल के लिए है हमारे पास, कि फर्स्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास है सेकंड के लिए, ये थर्ड शेल के लिए, और ये है हमारे पास फोर्थ शेल के लिए, ये फिफ्थ शेल के लिए, सिक्स्थ एंड ये सेवन्थ। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया। ठीक, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं पहले शेल की, सॉरी पहले ग्रुप के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन शामिल है? फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और हम इनके अंदर नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से मालूम कर सकते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19, रुबीडियम का 37, 55 सीजियम का और फ्रांसियम का 87 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन हम इस्तेमाल इसका हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानने के लिए करते हैं। क्लियर? और ग्रुप नंबर है हमारे पास 1। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ग्रुप नंबर हमें बता देता है। इसका मतलब है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 1 के अंदर, इनके आखिरी शेल में, इनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इन सारी चीजों को हम सीखेंगे भी और देखेंगे भी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इनके शेल, और शेल के जो है वो पूरे नहीं ड्रॉ करेंगे, और न्यूक्लियस जो है वो बस पूरा सर्कुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में मैं सिर्फ प्रोटॉन लिखूंगी, न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं बाकी एटम्स में। हाइड्रोजन के जो प्रोटियम होता है उसमें तो न्यूट्रॉन भी मौजूद नहीं होता, बाकी सारे एटम्स में न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होंगे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स को लिखूंगी। लिथियम में प्रोटॉन्स होते हैं 3, सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं 11, पोटाशियम में 19, रुबीडियम में प्रोटॉन है 37, यानी कि जो इनका इलेक्ट्रॉन नंबर है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही है। प्रोटॉन इज इक्वल टू 55। फ्रांसियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में 87 और इलेक्ट्रॉन भी 87 ही होंगे, जिसको हमने शेल में तकसीम करना है। अच्छा बच्चों, अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास जो शेल है हम उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास जो शेल है वो है फर्स्ट, और उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लिखूंगी आगे,
ई नहीं लिखूंगी लेकिन नंबर लिखूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन की तादाद को शो कर रहा है। और शेल बच्चों इस तरह से पूरा शेल होता है सर्कुलर, हम जो है वो शेल को भी कंसिडर करेंगे, बट मैं पूरा सर्कल नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सर्कल का थोड़ी सी आर्क बनाऊंगी और उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद लिख दूंगी नीचे, अंदर नहीं डालूंगी। अच्छा, दूसरा शेल जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था वो पहले शेल में आ जाता है। लिथियम की अगर हम बात करें तो इसके पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में आएंगे 2, तीसरा नहीं आ सकता क्योंकि जगह नहीं है, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल में जाना पड़ेगा। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे क्योंकि सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते होते हैं, 10 पूरे हो गए, अभी भी एक बच गया, तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आ जाएगा। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम में पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आपका ख्याल है आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? थोड़ा सा यहाँ पे हम रुक जाते हैं, रुक के थोड़ा सा सोचते हैं, क्वेश्चन में करते हैं सबसे कि अब ये 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, तो हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में आएंगे या नहीं आएंगे? तो क्योंकि थर्ड शेल के अंदर मैंने आपको बताया बच्चों कि हमारे पास कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की है वो 18 है, तो डेफिनेटली 9 तो आ सकते हैं, स्पेस है, हमारे पास 2 चीजें होती है, नंबर 1 इज स्पेस एंड नंबर 2 इज स्टेबिलिटी। स्पेस है, जगह है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। स्टेबिलिटी कहाँ पे होगी? स्टेबिलिटी इन नंबर्स के अंदर है, मतलब अगर किसी शेल के अंदर 8, 18, 32, 50, 72 या 98, 8, 18, 32, 50, 72 या 98 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो स्टेबल होता है, अदरवाइज जो है वो एटम स्टेबल नहीं होता, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। तो इन नंबर्स के अंदर से ही कोई एक नंबर को चूज करता है अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, ठीक है? सिर्फ फर्स्ट शेल ऐसा होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन को चूज करता है, फर्स्ट शेल के अलावा बाकी जितने भी शेल्स हैं उनकी कोशिश होती है कि ये जो नंबर है 8, 18, 32, 50, 72 या 98, इनमें से कोई एक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन का उनके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से पोटेशियम को देखें, ठीक है, तो पोटेशियम के पास इस वक्त शेल चल रहा है थर्ड, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पेस है, जो कैपेसिटी है वो 18 की है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, जगह है, स्टेबिलिटी के हिसाब से हमने ये देखना है कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो 9 के करीब करीब है, तो डेफिनेटली वो 8 है, और उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जगह है 9 इलेक्ट्रॉन की, स्पेस अवेलेबल है बट स्टेबिलिटी नहीं है। तो पोटेशियम क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 8 पे वो स्टेबल हो सकता है इस वजह से वो 8 रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जो 9th वाला इलेक्ट्रॉन है वो 4th शेल में भेज देगा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि पोटेशियम के थर्ड शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आए, क्योंकि जबकि उसके पास जगह है 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 आ सकते हैं लेकिन आए क्यों नहीं? होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है? तो इसी पॉइंट को हमने बेस बनाकर अगले वाले जो एटम्स हैं उनके अंदर भी शेल्स को फिल करते जाएं। तो यहाँ पे हम रुबिडियम की बात कर लेते हैं, रुबिडियम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, ठीक है? अब जो इसमें 37 है, तो तीसरे शेल में अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो थर्ड शेल है अगर उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को वेलकम करेगा क्योंकि इसके ऊपर उसकी स्टेबिलिटी होगी। अगर 18 से एक भी कम होगा तो वो क्या करेगा, उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि वो इन स्टेबिलिटी नंबर्स में से किसी एक के, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिवाइड करेगा कि इसके अंदर से वो कोई एक नंबर पिक करे, ठीक है? तो यहाँ पे 10, 20 और 8, 28 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है? 28 आ चुके हैं, तो 37 में से अगर हम 28 को माइनस करें तो हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। सेम इसी तरह से अब फोर्थ शेल है बच्चों, तो फोर्थ शेल, ये वाला फोर्थ शेल है, थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी तो इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे अगेन स्पेस अवेलेबल है 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्थ शेल में, क्योंकि फोर्थ शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 आ सकते हैं, तो 9 तो आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगेन 2 चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी आपको,
एक होती है स्पेस और एक होती है स्टेबिलिटी। जगह है, स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी फोर्थ शेल के अंदर तब होगी कि अगर फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फोर्थ शेल इज ओके, वो उसको अकोमोडेट अपने अंदर कर लेगा। अगर 32 से कम है तो फिर वो क्या करने की कोशिश करेगा, पहले तो वो चाहेगा कि उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि 18 स्टेबल नंबर है। अगर वो भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर वो चाहेगा चलो 8 आ जाए। वो इन दोनों में से किसी एक को गेन करने की कोशिश करेगा फोर्थ शेल। ठीक है, आप फोर्थ शेल के हिस्से में आए हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से फिर जाहिर बात है वो क्या करेगा, 18 को तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा 8 को मेंटेन करेगा। दैट मींस कि फोर्थ शेल में यहाँ पे आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो फिफ्थ शेल में चला जाएगा। अब सीजियम के ऊपर आ जाते हैं। सीजियम का जो है उसका केस देखते हैं किस तरह से होगा। इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8, ठीक है, तीसरे में 18, चौथे जो शेल है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इसको यहाँ तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चौथा जो शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक 28 हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक 32 हो चुके हैं। 32 और 28, 8 और 2 10, तो ये बन चुके हैं 60 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि मैंने फोर्थ शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो देखते हैं कितने आने चाहिए। इसको हम ट्वेंटी एट इलेक्ट्रॉन, तो 55 में से हम माइनस करेंगे 28 को, तो ये बच जाते हैं 27 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगेन यहाँ पे है शेल नंबर 4, फोर्थ शेल जो है वो तब इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको अकोमोडेट करेगा, 27 को वेलकम नहीं कर रहा, स्पेस उसमें 32 के तब भी वो वेलकम नहीं कर रहा 27 को, स्पेस होने के बावजूद, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे मसला, कि वो इन दोनों नंबर्स में से डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे 27 में से 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ शेल में जाएंगे। ठीक है, जो ही हम इसमें से 18 निकालते हैं तो फिर 9 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, और फिर अब 9 इलेक्ट्रॉन्स जब बच जाते हैं तो फिर स्टेबिलिटी नंबर 8 करीब आ जाता है। तो नेक्स्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नेक्स्ट शेल जो है हमारे पास कौन सा बन रहा है, ये 3 4 5, पांचवा शेल है नेक्स्ट। तो पांचवें शेल में हालांकि स्पेस 50 की अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबल जो है स्पेस 50 के होने के बावजूद वो 9 को जगह नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी 9 के लिए नहीं है। अगेन स्टेबिलिटी इन्हीं नंबर्स में से, अब 9 के करीब करीब कौन सा स्टेबिलिटी नंबर है, 8। तो इस वजह से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक जो बचेगा वो नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो न्यूक्लियस है उसकी बात कर लेते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। आप यहाँ पे देखें जो फोर्थ शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आराम से आ जाएंगे, क्योंकि वो 32 को वेलकम करता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है और स्पेस दोनों चीजें मैच कर रही है इस वजह से। नेक्स्ट क्या होगा, अब जो फिफ्थ शेल है उसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन आएंगे 18। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आप देखोगे कि 8 आएंगे और फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एंड पे बच जाएगा, तो ये 87 कंप्लीट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड से बिलोंग करता है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 है। तो ये जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वो पूरी तरह से आपको विजिबल हो जानी चाहिए कि इन तमाम एटम्स के आखिरी शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लगाना भूल गई। तो ये सब क्या आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और बाकी के जो एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया पहले कि पीरियड नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेल्स। फ्रांसीन जो है वो 7th पीरियड से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन जो है वो 1st पीरियड से, लिथियम 2nd से, सोडियम 3rd से, पोटाशियम 4 से, रुबीडियम 5th से, सीजियम 6 से, और फ्रांसीन 7th पीरियड से बिलोंग करता है। तो जो एटम जिस पीरियड से बिलोंग करता है उस एटम के अंदर उतने ही टोटल शेल होते हैं। इस चीज को भी आप देख सकते हो, फ्रांसियम के अंदर टोटल 7 शेल हैं, सीजियम में 6 हैं, रुबिडियम में 5 हैं, पोटाशियम में 4 हैं, सोडियम में 3 हैं, लिथियम में 2 हैं और हाइड्रोजन में 1 है। जो उनका पीरियड नंबर है उतने ही टोटल शेल्स हैं इनके अंदर। तो इसके अंदर हमने ये सीखा कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कैसे होता है, एंड एक एटम जिस पीरियड से बिलोंग करता है उसके अंदर टोटल शेल भी उतने ही होते हैं, ये वाकई क्या होता है या नहीं होता है इसको सीखा है, और फिर हमने शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे। तो इस चीज को मजीद प्रैक्टिस करने के लिए आप ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 को
प्रैक्टिस करोगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करोगे और देखोगे क्या आप उसको सॉल्व कर पाते हो। और इन दोनों चीजों के, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड पीरियड नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेल इन एन एटम, जो है वो वेरीफाई होते हैं या नहीं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।